31 मार्च पिछले 24 घंटा में सभी जिला में ड्राई वेदर था और पिछले 24 घंटे का मीन्स कल का हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर हाइस्ट था टिटलागढ़ में 42.7 डिग्री सेल्सियस, बोलांगीर में था 42.5, सोनपुर 41.9, झारसुगुदा 41.2, बोध भवानीपटना 41 इंच, संबलपुर सुंदरगढ़ में भी 40 डिग्री सेल्सियस करके था। इंटर विशाखा डिस्ट्रिक्स में कुछ कुछ स्थानों पर मैक्सिमम टेम्परेचर स्वाभाविक से 3 से 5 डिग्री तक स्वाभाविक से ज़्यादा था। हमारा कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्स में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में स्वाभाविक का आसपास था। भुवनेश्वर सिटी में था 34.8 डिग्री सेल्सियस। अभी हमारा अगला 5 दिन का जो फोरकास्ट है, इसमें अगला 5 दिन का अंदर फर्स्ट 3 डेज मीन्स 31, 1 और 2 अप्रैल इसमें मेनली ड्राई वेदर ही रहने का चांसेस है। 3 अप्रैल 4 अप्रैल एक दो जगह करके थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में ही ड्राई वेदर रहने का चांसेस है। जैसा 3 अप्रैल में मयूरभंज, केउंझर, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, रायगढ़, गजपति ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक दो जगह में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ रेनफॉल होने का चांसेस है। 5 अप्रैल हमारा 4 अप्रैल में 4 अप्रैल नॉर्थ कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज, केउंझर, ढेंकनाल, मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, गंजाम, कंधमाल ये सब डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह में थंडरस्टॉर्म के साथ रेनफॉल हो सकता है। और अगला 3 दिन का ड्राई वेदर रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है अभी ज़्यादा चेंजेस होने का चांसेस नहीं है, इसका वजह से हीट वेव कंडीशन राइज कर सकता है एक दो जगह में, मेनली बोलांगीर, सोनपुर, बोध, बरागढ़, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट का अंदर में। और इंटर विशाखा डिस्ट्रिक्ट में अगला 3 दिन में टेम्परेचर का ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मैक्सिमम टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री तक स्वाभाविक से ज़्यादा रहने का चांसेस है कुछ कुछ जगह में। और 3 दिन का बाद मैक्सिमम टेम्परेचर इंटर विशाखा डिस्ट्रिक्ट में भी थोड़ा सा स्लाइट फॉल करने का चांसेस है। भुवनेश्वर सिटी में मेनली हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर 36 के आसपास होने का चांसेस है, पार्टली क्लाउडी स्काई रहने का चांसेस है अगला 2-3 दिन में।